दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान, ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें आप एक बार एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और ये स्कीम आपको मंथली रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है और ये अमाउंट 1000 2000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसी तरह ये स्कीम आपको अगले 10 साल 20 साल या पूरे जीवन, इवन आपके आने वाले अगले जेनरेशन को भी इसी तरह ये स्कीम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है और ये स्कीम उस पे कितना प्रतिशत रिटर्न दे रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SWP क्या है और ये काम कैसे करता है। सेकंड नंबर, SWP एंड SIP में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। थर्ड नंबर, SWP के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। एंड फोर्थ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SWP में किन किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किन लोगों को इन्वेस्ट करने से परहेज करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको SWP स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे स्कीम है, उनमें से वो कौन से बेस्ट स्कीम है जो आपको लंबे समय तक एक स्टेबल मंथली रेगुलर इनकम दे सकता है, इसके लिए हम कुछ बेस्ट स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद SWP से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखेंगे। दोस्तों SWP को डिटेल में समझने के लिए पहले क्विकली SIP को समझ लेते हैं। SIP में क्या होता है, आप मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं और कुछ साल बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। दोस्तों SIP बेसिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है और ठीक इसका उल्टा होता है SWP में। मान लीजिए कि आपने रिसेंटली अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, वहां से आपके पास एक बड़ा कैपिटल आ गया या फिर आपके पास आपके रिटायरमेंट का अमाउंट पड़ा है, ये अमाउंट आप किसी SWP स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने नीड के अनुसार जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेज हैं आप एक अमाउंट चूज करते हैं और ये अमाउंट आप मंथली रेगुलर विड्रॉ करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ कुछ बातों का ध्यान देते हैं तो आप मंथली रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ भी करते रहेंगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी कम भी नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में ये ग्रो भी होता रहेगा। इसके लिए एक रूल है 4% रूल, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है कि अगर आपको मान लीजिए कि 30,000 रुपए की मंथली इनकम का एक सोर्स चाहिए, इसके लिए आपको कितना रुपए और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से 50 लाख का एक अमाउंट पड़ा है और इस अमाउंट को आप किसी अच्छे स्कीम में SWP करते हैं और वो स्कीम आपको सालाना ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न देता है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 50 लाख। आफ्टर 1 ईयर उस पे कितना रिटर्न मिलेगा, 15%, जो होता है 7,50,000। यहाँ आपको एक काम करना है, विड्रॉ के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का वेट करना है। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, अगर आप 1 ईयर का वेट करते हैं उसके बाद आप विड्रॉ करना शुरू करते हैं, वो विड्रॉल अमाउंट आपके रिटर्न से कटेगा। इस तरह आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा और ये धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट मंथ से ही विड्रॉ करना शुरू करते हैं तो वो विड्रॉल अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा और धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होते चला जाएगा। एंड सेकंड बेनिफिट है टैक्स का। अगर आप 1 ईयर से पहले ही विड्रॉ करना शुरू करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है 15%, ये देना होगा। अगर आप 1 ईयर के बाद से विड्रॉ करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के कैटेगरी में आएंगे और वहां आपको 10% ही टैक्स देना होगा। एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रेगुलर इनकम चाहते हैं और आप अपने रिटर्न का अगर 8% भी हर साल विड्रॉ करते हैं, फिर भी आपका महीने का 30,000 निकल कर आता है और बचा हुआ 7% ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिलकर ग्रो होता रहेगा। इस तरह आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर महंगाई का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें से 4% 5% रिटर्न को ही विड्रॉ करना चाहिए, बट मेरा मानना है कि अगर आपके रिक्वायरमेंट्स एक्सपेंसेज 4% 5% से फुलफिल हो जाते हैं तो वो बेस्ट है, आपको 4% 5% ही विड्रॉ करना चाहिए। इस तरह आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी तेजी से ग्रो होगा। बट अगर आपके रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं, आपके एक्सपेंसेज ज्यादा हैं, तो आप 7% 8% भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटली आपके एक्सपेंसेज के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और इस यूनिट का वैल्यू होता है NAV, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। और जब स्कीम का परफॉर्मेंस थोड़ा बुरा चल रहा होता है तब आपको सेम अमाउंट के लिए ज्यादा यूनिट सेल करने होते हैं, वहीं जब स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा होता है तब सेम अमाउंट के लिए आपको कम यूनिट सेल करने होते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो आपका विड्रॉल यूनिट्स है ये एवरेज हो जाता है, तो इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये स्कीम बेसिक
बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन किया गया है। उनके पास एक बड़ा कैपिटल पड़ा है, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी है, अब वो एक रिलैक्स लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक मंथली रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उनका कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा। वैसे तो इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप 20 से लेकर 30 के बीच में हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी अभी आपके सामने पड़ी है, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा फंड है तो आप SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। अब जिन लोगों को SWP स्कीम में इन्वेस्ट करना है, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ज्यादा रिस्की होता है। जब मार्केट में गिरावट आता है और लार्ज कैप फंड 5% से गिरता है, तो स्मॉल कैप फंड सीधा 10% 12% से गिरता है, जिससे जो आपका मंथली रेगुलर इनकम का प्लान है वो प्रभावित हो सकता है। SWP के लिए हाइब्रिड फंड बेस्ट है। यहाँ आपको लार्ज कैप एंड डेट का अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जिससे ये फंड कम रिस्की और कम वॉलेटाइल होता है। नो डाउट इसमें भी रिस्क है, बट अगर आपको मनी बैक गारंटेड रिटर्न चाहिए तो फिर आप बैंक FD या RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहाँ आपको मैक्सिमम 5-6% का रिटर्न मिलेगा। तो आप अपने रिस्क के अनुसार जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे दो हाइब्रिड फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, बट अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन फंड्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये एक डायरेक्ट प्लान है। अगर हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये फंड 40.4% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 इयर्स में 27.7% का, लास्ट 5 ईयर में 20.9% का, लास्ट 7 ईयर में 17.62% का एंड लास्ट 10 ईयर में ये फंड 18.72% का रिटर्न दिया है। और ये फंड अपने बेंचमार्क एंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर हम इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो डेट में इस फंड का 22.09% का इन्वेस्टमेंट है, जिससे ये फंड लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल 72 रिटर्न बनाकर दे सकता है। एंड इक्विटी में इस फंड का 73% का इन्वेस्टमेंट है एंड रियल एस्टेट में 2.16% का। अगर हम इक्विटी में बात करें तो जॉइंट में इसका 74% का होल्डिंग है, लार्ज कैप में 12.4% का, मिड कैप में 11.39% का एंड स्मॉल कैप में इस फंड का बहुत ही कम पर्सन इन्वेस्टेड है, 1.34%। इस फंड का पोर्टफोलियो PB रेशियो है 3.29% एंड पोर्टफोलियो PE रेशियो है 23.1%, जो कि काफी बेहतर है। अगर हम इस फंड के सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड इसी तरह ये फंड और भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगर हम इस फंड के स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इसके मेजर होल्डिंग में है ICICI बैंक, NTPC, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, रिलायंस, HDFC बैंक, इंफोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है। और अच्छी बात यह है कि ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी से है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क पैरामीटर की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.46%, जो कि बेंचमार्क एंड हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी से भी कम है। और ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है, वो फंड कम वॉलेटाइल होता है। बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इस फंड का बीटा है 0.72% और साथ ही साथ एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से भी कम है। एंड इस फंड का अल्फा है 12.16%। अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके दिया है। अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। इस फंड का फंड साइज है 33,502 करोड़ एंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.02%। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, बट ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपने लिए एक मंथली रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। लास्ट फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान। अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर ये फंड 26% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 15% का, लास्ट 5 ईयर में 14% का, लास्ट 7 ईयर में 13% का एंड लास्ट 10 ईयर में ये फंड 15.21% का रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में ये फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से थोड़ा कम रिटर्न बना करके दिया है, बट लॉन्ग टर्म में ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को ही बीट किया है। पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की बात करें तो डेट में इसका 20.18% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, मार्केट में ऐसे कुछ ही हाइब्रिड फंड है जिनका डेट में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनमें से ये कुछ फंड है। एंड इक्विटी में इसका 75.13% का इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में 2.46%,
20% का। अगर हम इक्विटी की बात करें तो जायंट में इसका 52% का इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 29% का एंड मिड कैप में 17.69% का। इस फंड का पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 4.26% एंड पोर्टफोलियो पी रेशियो है 26.9%। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इस फंड का मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में, सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में। इसी तरह ये फंड और भी अलग अलग बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। इस फंड के स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इसका जो मेजर होल्डिंग है वो है आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, सोलर, इंफोसिस, इंडिगो, एमआरएफ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस फंड का होल्डिंग है और इनमें से ज्यादातर कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी से है जिससे ये फंड कम वॉलेटाइल होगा। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.86% जो कि बेंचमार्क एंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से भी कम है एंड बीटा है 0.73%, अगेन ये भी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से कम है। इस फंड का अल्फा है 1.77% जो कि एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से थोड़ा कम है बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये फंड थोड़ा कम रिटर्न बना करके दिया है बट लॉन्ग टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। फंड साइज है 67,196 करोड़ एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। तो ये है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड आपको बेहतर लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।